Hello everyone, so we were doing numericals on moment of inertia. So एक numerical और देखते हैं. Question क्या है? Find the, जो आपको diagram दी हुई है, let's make an inertia line diagram. एक आपको rectangle दिया हुआ है plus इसमें यहाँ पर hole है, एक सर्कुलर होल है जिसका डायमीटर कितना है 150 mm, और यहाँ से इसका सेंटर कितना है 100 mm, ये कितना है 200 mm, और ये टोटल भी आपको दिया हुआ है 300 mm. तो ये सब आपको डायमेंशंस वगैरह दी हुई है. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सेक्शन एज शोन इन द फिगर, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, वही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वही करना है. आई एक्स एक्स निकालना है आपने, आई वाई वाई नहीं, सिर्फ आई एक्स एक्स निकालना है. ओके, उसके लिए क्या करते थे हम, सबसे पहले इसको रेफरेंस लेते थे ना इसका. ठीक है, ये आगे रेफरेंस लाइंस वाई वाई और एक्स एक्स रेफरेंस लाइन्स आ गई. उसके बाद हम देखते थे कि पोजीशन कहाँ आएगी इसकी. अब इसमें दो आएंगे ना, दो दो टाइप की शेप्स आ गई इसमें. एक आ गई आपका, एक शेप आ गई मान लो रेक्टेंगल है, सेकंड आ गई सर्कल, है ना, दो शेप्स हैं इसमें. तो अब ओवरऑल फिगर का सेंटर कहाँ पे होगा? ऐसे वर्टिकली तो यहीं से पास होगा ना, 200 by 2 पे, यानी कि 100 mm पे. लेकिन इस साइड से आपको पता नहीं है कि ये वाई वाई कितना होगा, इसका वाई बार कितना होगा. एक्स बार तो मिल गया है इसका टोटल ओवरऑल का, बट वाई बार नहीं मिला आपको. तो वाई बार आप देख सकते हो किस साइड होगा, क्योंकि ऊपर साइड हॉलो है. तो अगर इसका सेंटर ये 300 ना, 150 के नीचे ही होगा. ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ कहीं है इसका. ठीक है, इतना आप अज्यूम कर सकते हो, दिस इज़ वाई बार. अब इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स एक्स, यहाँ पर आपने आई निकालना है. ठीक है, तो अब बताती है वन का कहाँ पे होगा, 300 है ना, रेक्टेंगल है, इसका होता है डी बाई टू पे. तो डी बाई टू मान लो, जैसे अगर डी बाई टू आएगा कहीं यहाँ पे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ले सकते हो. यहाँ आपने निकालना है आई जी वन. ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या होता है, वन है ना, दिस विल बी वाई वन. और कितना है वाई वन, 150 mm. और यहाँ से जो इसमें से पास होगा वो होगा आई जी टू. ठीक है, ये होगा आपका आई जी टू, और यहाँ थोड़ी स्पेस कम हो गई है. और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, दिस विल बी वाई टू. और वाई टू कितना होगा, यहाँ से इसका सेंटर कितना दूर है, ये 100 है 200 300 माइनस 100 हो गया 200 mm. ये वाई वन वाई टू मिल गया आपके पास. अब निकाला हमने वाई बार. वाई बार निकालने का क्या रिलेशन होता है, ए वन वाई वन. अब क्योंकि ये होल है बीच में रेक्टेंगल, तो माइनस आएगा, जैसे कल क्वेश्चन कराया था, ए टू वाई टू अपॉन ए वन माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा. ठीक है, तो बताओ मुझे ए वन, वन का एरिया, वन का 200 × 300. ओके, वाई वन आपने निकाल दिया 150 माइनस ए टू एरिया ऑफ सर्कल 5/4 × d² डी कितना है 150² इंटू वाई टू आ गया 200 डिवाइड कैसे करेंगे, ए वन माइनस ए टू 200 × 300. ठीक है, माइनस 5/4 × 150². इसको सॉल्व करना है. देखो क्या आता है सॉल्व करके, 200 × 300 × 150 कितने 0 9 आ गया, 9 × 10 raised to power 6 माइनस
पाई इंटू 150 का स्क्वायर है ना, ठीक है, इंटू 200 है, डिवाइड बाई 4 है, यह हो गया 3.54 इंटू 10 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाई 200। ये तो सिंपल मैं 236 है ना, कितने जीरो आएंगे, 4 माइनस पाई इंटू 150 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 17.67 इंटू 10 रेज टू पावर 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है, 9 माइनस 3.54 दिस इज 5.46। इसको यहाँ लिखते हैं, जगह छोड़ देते हैं ना, दिस इज 5.46 इंटू 10 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाई 6 चार जीरो माइनस 17.67 इंटू 10 रेज टू पावर 3 42330। देखते हैं कितना आता है, 5.46 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ये गलत हो जाएगा, 5.46 इंटू 10 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाई क्या करना है, 42330 120, यह है 128.9। हम इसको करेंगे 129 mm, ये निकल गया वाई बार, तो वाई बार की पोजीशन निकल गई आपकी कितने आ गई, 129 mm। ठीक है, आपने सही गैस किया था, ठीक है, सेंटर से नीचे, सेंटर तो इसका 150 होगा ना पूरे का, तो उसके थोड़े से नीचे है, ठीक है। अब वैसे ही करना है, वाई बार निकल गया तो आई जी वन निकालेंगे हम, ठीक है, आई जी वन विल इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12, ठीक है, बी डी बेस कितना है, रेक्टेंगल है ना, बेस कितना है 200, हाइट कितनी है 300, क्यूब डिवाइडेड बाई 12, देखते हैं कितना आता है, 200 इंटू 300 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 450 इंटू 10 रेज टू पावर 6 mm रेज टू पावर 4, ठीक है, दिस इज आई जी वन। अब क्या करते हैं उसके बाद, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रेक्टेंगल वन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल एट एक्स एक्स विल बी कितना होगा, इट विल बी आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्केयर, ठीक है, यही था फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, आई जी वन आ गया 450 इंटू 10 रेज टू पावर 6 प्लस ए वन, पहले रेक्टेंगल का एरिया आ गया 200 इंटू 300, ओके, एच कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको, एच विल बी इक्वल टू, एच होता है डिस्टेंस ये वाला और ये, हाँ ये वाई वन का और वाई टू का डिस्टेंस, वाई वन का और वाई बार का डिस्टेंस, तो 150 माइनस 129, ठीक है ना, तो 150 माइनस 129 करोगे तो कितना आएगा, 21, ठीक है, 21 का स्क्वायर, इधर ब्रैकेट में ले सकते हो आप, एच वन कैसे निकाला है, 150 माइनस 129 mm इज इक्वल टू 21 mm, ओके, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 200 इंटू 300 इंटू 21 स्क्वायर इंजीनियरिंग प्लस सर करना है इसमें 450 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ये आपका 476.46 10 रेज टू पावर 6 mm रेज टू पावर 4, ये निकल गया आपका, इसको फर्स्ट रखो, ठीक है, इसी तरह IG2 निकालना, IG2 क्या है, बेसिकली एक सर्कल है ना, सेकंड क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का मैंने बताया था आपको पाई बाई 64 डी रेज टू पावर होता है, सेंटर से जो एक्सिस निकलता है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो पाई बाई 64 इंटू डायमीटर है 154, कितना आ जाएगा, 150 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 64, 24.85 इंटू 10 रेज टू पावर 6 mm रेज टू पावर 4। अब इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सर्कल है ना,
टू है ना ये, एट कहाँ पे एक्स एक्स, ये वैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जैसे मैंने अभी तक कराया ना आपको, तीन क्वेश्चन करवा दिए मैंने, चौथा क्वेश्चन ये है एट एक्स एक्स विल बी आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्केयर है ना। तो आई जी टू निकालते 24.85 इंटू 10^6 प्लस व्हाट इज ए टू, ए टू आएगा पाई बाई फोर, हाँ पाई बाई फोर इंटू डी स्केयर एरिया है ना, 150 स्केयर इंटू एच टू, एच टू हो गया आपका ये डिस्टेंस कौन सा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक है 200 और यहाँ तक है 129, तो 200 माइनस 129 करोगे तो 71 आएगा, ठीक है तो आएगा 71 स्केयर। तो कैसे आया एच टू, 200 माइनस 129 इज इक्वल टू 71 mm, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज 150 का स्क्वायर इंटू 71 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 4 प्लस क्या करना आपने 24.85 इंटू 10^6, ये आ गया आपका 113.93 इंटू 10^6 mm raised to power 4। अब क्योंकि अब बात होती है इनको ऐड करना कि माइनस करना, दोनों को इनको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में से सर्कल निकाला है ना, रेक्टेंगल में से सर्कल को सर्कुलर होल बना हुआ है तो उसमें से हम इसलिए इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर आई एक्स एक्स जो आपने निकालना था दैट विल बी इक्वल टू 476.46 इंटू 10^6 माइनस 113.93 इंटू 10^6, ठीक है। सिंपल माइनस करना है 476.46 माइनस 113.93, ये आ गया आपका 362.53 10^6 mm raised power, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, तो इस चैप्टर्स में चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। एक एल सेक्शन है, फिर मैंने आपको टी सेक्शन करा दिया है और आई भी करा दिया, एल सेक्शन आप लोग खुद करोगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। एक एल सेक्शन है ऐसे, यहीं से आप नोट कर लेना 100 mm, ये आपको दिया हुआ, ये कितना दिया है 20 mm, ठीक है, ये भी 20 है और ये कितना है 80 mm। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो दो रेक्टेंगल्स में, इसको 1 और 2, बाकी वही प्रोसीजर है इसका। तो इसमें आपने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, इसमें आपने आई एक्स एक्स निकालना है और आई वाई वाई दोनों निकालने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, वही प्रोसीजर है, सेंट्रॉइड निकालेंगे ये वो जो मैंने बताया था आपको, सारे स्टेप्स वही फॉलो करने हैं आपने, तो फिर आपने ये क्वेश्चन कर लेना है खुद, ठीक है। 100 है ये, 100, 20 और 20 और 80, सारी डायमेंशन आपको मिल गई हैं, ये सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।